ओम आदित्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। नव ग्रहों के राजा आत्मा के कारक सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 14 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति। दोस्तों, जब भी सूर्यदेव परिवर्तन करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं अभी कि सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 महीने में 12 राशियों में गोचर करते हैं। सारे ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं उसको कहते हैं संक्रांति। जब सूर्यदेव अभी मकर राशि में आ रहे हैं 14 जनवरी को, तो मकर संक्रांति बनाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, और उत्तरायण को हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। यानी कि जितने भी शुभ कार्य सारे अच्छे माने जाते हैं उत्तरायण। तो 6 महीने सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं, फिर 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरायण को कितना शुभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म। दोस्तों, अब जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शनि देव विराजमान है, साथ में बुध भी है, यानी कि पिता सूर्यदेव पुत्र के घर में जा रहे हैं और पुत्र के साथ में जा रहे हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन कौन सी राशि के लिए अति शुभ फलदायक है, क्या उनके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, इस सूर्य का परिवर्तन कैसे बदलाव लेकर आएगा, कौन से हाउस में गोचर करेगा, सभी कुछ आज हम जानेंगे कि कौन सी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली रहेंगी सूर्य के राशि परिवर्तन से। यह जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी मून साइन पर आधारित है। सबसे पहली प्रथम राशि है जिसके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन काफी अच्छा रहेगा, वो है मेष राशि। आपके 10th हाउस में सूर्य आ जाएंगे, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम के मालिकों के 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस करियर का माना जाता है और पंचम के मालिक हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई के क्षेत्र से आपको फायदा मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं मेष राशि वाले, वहां पर आपको फायदा मिलेगा। आपका नेम और फेम काफी अच्छा होगा अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, अपने आप कोई भी जो जिस भी लाइन में आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आपका नाम अच्छा होगा। जब सूर्यदेव 10th हाउस में गोचर करेंगे तो आप किसी राजनीति में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, किसी बड़ी सतह पे हैं, वहां पर आपको फायदा मिलेगा ये सूर्य के परिवर्तन से। प्रमोशन होने की संभावनाएं या फिर अपने करियर में नेम फेम होने की संभावनाएं मेष राशि वालों को काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्यदेव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चौथे घर के मालिक 9th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। जो ऋण आपको परेशान कर रहे थे, जो सुख सुविधाओं में आपको कमी लग रही थी काफी टाइम से, आपके स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी क्योंकि सूर्यदेव पहले थे आपके 8th हाउस में, कफ कोल्ड को लेकर परेशान थे या फिर कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में थे, वो चिंता समाप्त हो जाएगी। सूर्यदेव जब भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य को अच्छा बनाएंगे, यानी कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा करियर में, भाग्य में। अड़चने दूर होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी और काफी टाइम से जो स्ट्रेस बना हुआ था किसी भी क्षेत्र में वो दूर होगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में राशि के मालिक हैं सूर्यदेव और 6th हाउस में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्य का गोचर 3, 6 और 11वें घर में अति शुभ फल देता है। 6ठा घर ऋण का होता है, रोग का माना जाता है, शत्रु का, कंपटीशन का माना जाता है, नौकरी का भी माना जाता है। 6ठे घर में सूर्य का गोचर आपको ऋण रोग शत्रुओं से दूर तो करेगा करेगा, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे फायदा होगा। और 6ठे घर में सूर्य का गोचर नौकरी में सफलता आपको देगा। नौकरी सर्च कर रहे हैं, ये 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक नौकरी मिलने की संभावनाएं काफी अच्छी दिखाई देती है। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि में सूर्यदेव आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 11th हाउस के लॉर्ड होकर।
फोर्थ हाउस में सूर्य का गोचर, टेंथ हाउस पे दृष्टि, इलेवेंथ हाउस के मालिक, बड़े भाई बहन से फायदा मिल सकता है, किसी बुजुर्ग लोगों से, किसी बड़े लोगों से आपको फायदा मिल सकता है, वो लोग आपका नेम फेम कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह से आपको ऑफर आ सकता है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आपका नेम फेम हो सकता है, कोई अचीवमेंट आपको मिल सकता है, करियर में आपको तरक्की होगी, जो भी आपके डिजायर्स थे, जो भी आपके ड्रीम थे, वो ये सूर्य के परिवर्तन से एक महीने के अंदर अंदर पूरे होते हुए जरूर दिखाई देंगे। पांचवी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है तीसरे घर में सूर्यदेव का गोचर अच्छा माना जाता है। जब सूर्यदेव तीसरे घर में आएंगे और कहां के लॉर्ड हैं, टेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, तो जो भी आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत अच्छा देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो करियर में स्ट्रेस, जो आपके अंदर एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन बना हुआ था आपके करियर में, वो दूर होगा। तीसरे घर में सूर्यदेव आपसे मेहनत भी करवाएंगे लेकिन आपको रिजल्ट भी देंगे, प्रमोशन होने की संभावना है। तीसरे घर में सूर्यदेव धन को बढ़ा देंगे, इनकम को गेन कर देंगे, व्यापार करते हैं वहां पर आपको स्पेशल फायदा देखने को मिलेगा। छठी राशि है धनु राशि। धनु राशि में सूर्यदेव आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान के मालिक हैं। जब भाग्य स्थान के मालिक सेकेंड हाउस में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो जो आपके फादर हैं उनको सक्सेस मिलेगी, आपके फादर को सक्सेस मिलेगी, आपके फादर का जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा, फादर से आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, या फादर से आपको इनकम गेन हो सकती है, या अगर आप अपने फादर की बात को मानते हैं तो वहां पे फायदा होगा। फादर के साथ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होंगी। सेकंड हाउस में सूर्यदेव आपकी वाणी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, यानी कि सामने वाले आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी वाणी से, आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से। सातवीं और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर अति शुभ फलदायक है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्यदेव होंगे इलेवेंथ हाउस में, बहुत अच्छा रहेगा। इलेवेंथ हाउस होता है प्रॉफिट का, इनकम का, गेन का, आय का होता है। तो जब इलेवेंथ हाउस में सूर्यदेव आएंगे आपकी प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, व्यापार करते हैं वहां पर आपकी प्रॉफिट्स अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे। सूर्यदेव कहां के मालिक है, छठे स्थान के मालिक है। अगर आप ऋण से रिलेटेड काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट या बैंकिंग में काम करते हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। सूर्यदेव छठे स्थान से निकल कर आए हैं, इलेवेंथ हाउस में है, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, जो इल्लीगल चीज आपको परेशान कर रही थी, वहां से बाहर निकलेंगे। व्यापार में उन्नति तो होगी होगी, प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी काफी अच्छी हैं। और सूर्य का इलेवेंथ हाउस में होना इनकम को भी गेन करता है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।